भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अब दूसरे देशों की तुलना में कम है। हालांकि संकट अभी टला नहीं है, हर दिन करीब 40,000 नए लोग संक्रमित हो रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41,806 नए कोरोना केस आए हैं और 581 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 39,130 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 2,095 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14 जुलाई तक देश भर में 39,13,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,97,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक 43,80,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19.43 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.5% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का छठा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। वहीं नए स्ट्रेन की ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले गुरुवार को 5 नए मामले, शुक्रवार को 10 नए मामले, शनिवार को 8 नए मामले, रविवार को 5 नए मामले, सोमवार को 12 नए मामले, मंगलवार को 19 नए मामले, बुधवार को 10 नए मामले और गुरुवार को 11 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 78,069 से 78,080 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भी भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।